सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, अगली फिगर है हमारी कोन। तो इस तरीके से कोन है, ये जो बेस को सर्कल होता है इसकी रेडियस को रेडियस ऑफ द कोन बोलेंगे। ये वर्टेक्स ऑफ द कोन है, वर्टेक्स। ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसे बोलेंगे हम हाइट ऑफ द कोन एच, और ये जो दिख रही है इसे बोलते हैं स्लेंट हाइट एल, स्लेंट हाइट। ये देखिए स्लेंट हाइट। तो सिंपल सी बात है, देखिए भाई रेडियस ऑफ द बेस आर है, हाइट एच है, स्लेंट हाइट अब क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो ए बी सी ट्रायंगल में, तो सिंपल सी बात है एल इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज वन थर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर इसी बेस का आप सिलेंडर क्रिएट करते हो तो आपको इस तरीके से दिखेगा, देखिए ये ऐसे ऐसे और ये कुछ ऐसे। बस इस सिलेंडर को तोड़ के ये कोन बनाया गया है, ये इतना वाला ये जो कोन है ना ये। तो इस कोन का वॉल्यूम इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम के वन थर्ड रहता है, क्योंकि अगर ये सिलेंडर होता ये पूरा तो इसका वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वेयर एच। तो कोन का है ये, कोन सिलेंडर से ही बनता है, ये बात समझ लो आप ठीक से। ये अगर सिलेंडर है तो बस यहाँ से ऐसा काट दो तो ये हो गया आपका कोन। सो दिस हैज़ वन थर्ड वॉल्यूम, दिस हैज़ वन थर्ड वॉल्यूम एंड दिस हैज़ वन थर्ड वॉल्यूम। ये होता है पाई आर एल कर्व्ड। मतलब अभी देखो आपका ये कोन है, तो ये जो बाजू वाला है ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये पाई आर एल है। और बेस को मिला के इसको भी मिला के अगर टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो बस पाई आर स्क्वायर एल, ये कर्व का और ये बेस का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये बेस तो सर्कल है, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन है। तो दोनों टाइप के कोन रहते हैं यूज में, ऐसे ओपन कोन जिसको ऊपर से खुला रहता है मतलब पानी डाल सकते हो तो ये नीचे आएगा पानी, और दूसरे टाइप के ऐसे कोन होते हैं जहाँ पे ये बेस भी क्लोज रहता है, राइट। ये ऐसे, तो ऐसे वक्त आपको दोनों सरफेस एरिया कंसिडर करने, और अगर ऊपर से खुला है तो बस इसको कंसिडर करना है। अब बस स्पेयर है, स्पेयर तो क्या है, बस ऐसा पूरा जो बॉल होता है ना फुटबॉल वही स्पेयर है। सर्कल और स्पेयर में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सर्कल टू डायमेंशनल है, स्पेयर थ्री डायमेंशनल है। इस स्पेयर की रेडियस है आर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बस इसको रटना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। काम खत्म। हेमी स्पेयर कुछ नहीं है, इस स्पेयर को इधर से काट दो, ये समझो ये वाटरमेलन है उसको काट दिया आपने तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना। घर में बॉल्स रहते हैं ना खाना खाने के लिए, ये उसी की तरह है। तो इसका भी सरफेस एरिया दो तरीके से, इसका वॉल्यूम तो सबसे पहले 2/3 पाई आर क्यूब है, क्योंकि पूरे स्पेयर का तो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका तो आधा है, इसका मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है, स्पेयर को कर्व्ड और टोटल नहीं रहता, जो भी होता है वो टोटल ही रहता है, लेकिन यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला, बस ये वाला। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि स्पेयर पूरा था उसका टोटल सरफेस एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वेयर, तो इसका तो आधा ही बचा तो 2 पाई आर स्क्वेयर। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कर्व भी आ गया और इसमें ये बेस भी आ गया, तो ये है 2 पाई आर स्क्वेयर और बेस का पाई आर स्क्वेयर, तो 2 पाई आर स्क्वेयर और पाई आर स्क्वेयर मिला के 3 पाई आर स्क्वेयर। और आपको याद रखना है 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 cm³, और 1 cm³ मतलब होता है 1 ml, ये भूलना नहीं है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 1 m³ यानी 1000 लीटर,
ये सब बातें याद रखनी है अगले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमको एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी ये लेंथ है, जिसको मैं हाइट बोलता था, इन्होंने लेंथ बोली है एल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लो। ये है उसकी ब्रेड्थ और इसको हाइट बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन अलग अलग तरीके के डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, या फिर लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम इसको विड्थ भी बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर मैं लिखता था, अब इन्होंने कुछ अलग बोल दिया है तो डब्ल्यू को मैं एच स्क्वायर लिख लूँगा। अभी क्या है, तीन है बस, उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि क्या, बस सिंपल है, 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करो तो ये आता है आपका 1568। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीटर है तो वॉल्यूम होगा आपका मीटर क्यूब में, अगर एरिया निकालना है तो वो होगा मीटर स्क्वायर में, और लेंथ है तो मीटर में रहती है, राइट। अब हमको निकालना है इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने देखा है, टू को बाहर ले लो, एल इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू विड प्लस विड इंटू हाइट, यहाँ पे बस विड्थ नहीं दी है लेकिन विड्थ को ही इन्होंने हाइट बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस इसमें क्या है, वैल्यू डालनी है, टू इंटू कितनी है, 16, 14 एंड 7, ये एल, सिक्सटीन फोर्टीन सेवन, ये जो हाइट है ना इसको डब्ल्यू भी बोल सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 16 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 16, चलो इसको सॉल्व कर दो तो यह आता है 868 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम लाइक दिस, कुछ नहीं है यार, ये बस एक क्यूबॉइड है। रूम मतलब क्या होती है, अपनी जो रूम होती है, घर होता है, वो एक क्यूबॉइड ही तो होता है। इस तरीके से देखो आप, ये इसका छत है, ये इसके वॉल, और ये इसका नीचे वाला। तो सबसे बड़ी से बड़ी डंडी आप कहाँ से कहाँ पर रख सकते हो, देखिए यहाँ शुरू करो, यहाँ से यहाँ तक रख दो उसको। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पोल, लॉन्गेस्ट पोल, ये लॉन्गेस्ट पोल इनसाइड द रूम इज नथिंग बट द बॉडी डायगोनल ऑफ द रूम, ये इंपॉर्टेंट बात है, बॉडी डायगोनल, ठीक है। सो बॉडी डायगोनल तो हमको पता है क्या होता है, बॉडी डायगोनल डी इज स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, एल यानी कि लेंथ, ये 12 स्क्वायर, बी यानी कि दिस मच 8 स्क्वायर, एंड हाइट, अब विड्थ को हाइट बोला है कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 स्क्वायर, ठीक है। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, हाइट को विड्थ भी बोल सकते हो, मतलब ऐसा कोई होता ही नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजुअली क्या करते हैं, जो सबसे लंबा है उसको लेंथ एल बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 17 मीटर। ओके, ये पढ़ो, देखिए क्या बोला है, एक वॉल है, वॉल है मतलब इस वॉल को भी ना थिकनेस होती है, इस तरीके से वॉल होती है, ठीक है। तो एक वॉल है, उसका वॉल्यूम दिया है इतना, उसके बारे में क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल 5 टाइम्स एज हाई एज इट इज ब्रॉड, मतलब उसकी जो हाइट है वो उसके ब्रेड के 5 टाइम्स है, एंड 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज हाई, मतलब उसकी
जो लेंथ है उसके हाइट के 8 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन h इक्वल टू क्या है 5b। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई h की जगह पर मैं 5b रखूँगा तो आएगा 40 टाइम्स ऑफ ब्रेड। तो h की वैल्यू ये और l की वैल्यू ये, हमको निकालनी है ब्रेड ऑफ द वॉल। और वॉल्यूम इस वॉल का दिया है, अब वॉल्यूम ऑफ द वॉल ये तो एक क्यूबॉइड ही है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेट अस से दिस इज लेंथ, लेंथ ये ब्रेड और ये विड्थ है, तो एल बी एच दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। एल कितना है और देखिए वॉल्यूम कितना है 12.8 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेंथ इसकी कितनी दी है ये देखिए 40b मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड है इसकी, निकालनी है हमको हाइट जो कि हमने यहाँ पे लिख ली है 5b। तो सिंपल है आपको आएगा 12.8 इज इक्वल टू 200 b³। तो b³ इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 12.8 अपॉन 200। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 4 डिवाइडेड बाय 10 मीटर, दिस इज दी ब्रेथ ऑफ द वॉल, या फिर 0.4 मीटर। सेंटीमीटर में अगर लिखोगे इसको तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल सी बात है 40 सेंटीमीटर, दिस इज द ब्रेथ ऑफ द वॉल।